सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फोन पे वॉलेट का जो है पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फोन पे वॉलेट में जो है 90 रुपीज़ है, जो कि हम इसी 90 रुपीज़ को जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अगर आपके फोन पे वॉलेट में पैसे है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको जो है इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से फोन पे वॉलेट का जो है पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट जो है आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। जो कि मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो 100% वर्किंग है और आप जो है बिना किसी चार्ज के जो है आप अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि फोन पे ऐप से ही आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ऊपर पे प्रोफाइल का आइकन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम एक बैंक अकाउंट यहाँ पे हम ऐड कर रखे हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं और बैंक अकाउंट हम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो आपको सबसे पहले कोई भी एक बैंक अकाउंट को आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि जो बैंक अकाउंट आप फोन पे में ऐड करेंगे उसी बैंक अकाउंट में जो है आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक जो है मेरा प्राइमरी है, तो आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट को प्राइमरी कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी में यहाँ पे टिक लग चुका है, तो ये बैंक अकाउंट मेरा ऐड है, तो इसी बैंक अकाउंट में जो है मेरा पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है बैंक अकाउंट ऐड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक चले आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फोन पे वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं ऊपर पे, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं क्लोजिंग फोन पे वॉलेट, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे वाले जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पे देख सकते हैं हाउ डू आई क्लोज माय फोन पे वॉलेट, देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको इसे पढ़ लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है क्लोज वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हैं, तो क्लोज वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके वॉलेट में कितना रुपया है यहाँ पे दिख जाएगा, देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन पे वॉलेट में 90 रुपीज़ है, तो यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे आपको कोई एक रीजन सेलेक्ट करना है, जो कि आपको चार रीजन यहाँ पे दिख जाता है, तो आपको यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ये रीजन सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं विड्रॉल वॉलेट बैलेंस, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है विड्रॉल वॉलेट बैलेंस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्फर्म डीएक्टिवेट वॉलेट, देख सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डीएक्टिवेट वॉलेट, देख सकते हैं इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस पे क्लिक करने से पहले आपको एक चीज़ जानकारी होना चाहिए कि अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे डीएक्टिवेट वॉलेट पे तो आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा से जो है आपका फ़ोन पे वॉलेट ओपन नहीं होगा इस नंबर से, जो नंबर से आप जो है डीएक्टिवेट करेंगे उस नंबर से जो है आपका दोबारा से फ़ोन पे वॉलेट आपका ओपन नहीं होगा और परमानेंटली जो है डिलीट हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन आपका जो है फ़ोन पे वॉलेट दोबारा ओपन नहीं होगा और परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए आपका डिलीट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट बी एबल टू री ओपन योर वॉलेट, यानी कि दोबारा से आप ओपन नहीं कर सकते हैं, जो नंबर से आप डीएक्टिवेट करेंगे उस नंबर से जो है आप दोबारा से फ़ोन पे वॉलेट आप ओपन नहीं कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जो है आपका फ़ोन पे वॉलेट डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है, आपका ज़्यादा अमाउंट फंसा हुआ है, तो आप इस तरीके से फ़ोन पे वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है फ़ोन पे वॉलेट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, मैं आपको तरीका बताया हूँ कि आप इस तरीके से फ़ोन पे वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।